जितने पुराने प्रकरण हैं उन सब के संबंध में चर्चा की गई है, और जो भी प्रकरण पुराने पेंडिंग हैं उनको त्वरित रूप से कार्रवाई कर निस्तारित करवाए जाने के निर्देश भी दिए। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक हर माह के पहले शुक्रवार को होने वाली बैठक 4 महीने बाद हुई आयोजित। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार 4 फरवरी को जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को आयोजित की जाती है। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली बैठक है जिसमें आए हुए विभिन्न मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सतर्कता समिति की बैठक हर माह ली जाती है, प्रथम शुक्रवार को ली जाती है। तो जितने पुराने प्रकरण हैं उन सब के संबंध में चर्चा की गई है, और जो भी प्रकरण पुराने पेंडिंग हैं उनको त्वरित रूप से कार्रवाई कर निस्तारित करवाए जाने के निर्देश भी दिए गए। किस तरह के पेंडिंग हैं? अब देखिए, अनेक प्रकार के प्रकरण हैं, उसमें कुछ नगर निगम नगर परिषद से रिलेटेड हैं, कुछ जमीन पर अतिक्रमण से रिलेटेड है, और कुछ पर्सनल मैटर्स भी हैं। तो जैसे भी आते हैं कोई मैटर्स, अगर मान लीजिए हमें लगता है कि सतर्कता में रखने योग्य है तो उसको सतर्कता में रखवाया जाता है और उनकी फिर क्वेश्चन पर्सनल होते हैं। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक 4 माह के अंतराल के बाद 4 फरवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित DOIT VC रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के समक्ष दर्ज प्रकरणों को निस्तारित करने की कार्रवाई की गई। बैठक में विधायक अनिता बधेल, अतिरिक्त कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा सहित विभागीय अधिकारी शामिल हुए। विधायक अनिता बधेल ने जिला जन अभियोग सतर्कता समिति की बैठक को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए। मैम, आज जो मीटिंग हुई है क्या मेरा जो सतर्कता समिति की मीटिंग हुई है, देखिए सरकारों ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बहुत सारी समितियों का गठन किया हुआ है और उसमें से सतर्कता समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, लेकिन 4 महीने बाद में इसकी मीटिंग हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दूसरा बात, जितने मुद्दे इस मीटिंग में आते हैं वो समाधान नहीं होता है, लिंगर ऑन होते रहते हैं, तो तत्काल समाधान होना चाहिए, उसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। लोग, आम व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के कहाँ जाए, अतिक्रमण की समस्या है और बाकी की समस्याएं हैं, तो उनके लिए समाधान के लिए ये मीटिंग होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और समय समय पर टाइट मॉनिटरिंग के साथ में यदि मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छे परिणाम लगेंगे और लोगों को राहत में मिलेगी। मैम, आपने जैसे कि मुझे बता रखे थे कि वहाँ पर सैटेलाइट के आगे पार्किंग गेट पे ही। बिल्कुल, ये एक सार्वजनिक इशू है क्योंकि सैटेलाइट हॉस्पिटल, अभी हमने कोविड देखा है, इस कोविड के समय सैटेलाइट हॉस्पिटल भी हमारे बहुत उपयोगी साबित हुए हैं, और ऐसे हॉस्पिटल्स में जब ज़्यादा मरीजों की आवाजाही होती है तो पार्किंग के लिए सार्वजनिक जो स्थान है वो इस्तेमाल होने चाहिए। तो सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर जो रिक्त भूमि है उस पर बहुत सारे अतिक्रमण कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि उसको पार्किंग के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, इंटरलॉक लगा करके उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से कर दी जाती है, तो मुझे लगता है कि वाहन पार्किंग भी सुविधाजनक हो जाएगा और अतिक्रमी भी उस पर अतिक्रमण नहीं करेंगे और एक सार्वजनिक भूमि का अच्छा सदुपयोग हो सकता है।